नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम शिक्षण विधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वाचन जो शिक्षण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाचन शिक्षण विधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वाचन है वो आपका, जब हम कौशल पढ़ते हैं तो कौशल के साथ भी आते हैं। कौशल पढ़ते हैं तो वहां भी आपका क्या आता है, वाचन आता है। कौशल कितने होते हैं आपके दोस्तों? चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका लिखना। कौन कौन से होते हैं आपके चार? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपल्ली क्या होता है आपका? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और आपका लिखना। कौशल चार होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे आपका अंग्रेजी हो, तीनों में यही क्रम रहेगा आपका। संस्कृत में बोलते हैं सुनना को श्रवण, बोलना को वदनम और पढ़ना पठनम और लिखना लेखनम। इंग्लिश में होता है LSRW। इंग्लिश में होता है आपका LSRW, L लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग। इंग्लिश में क्या होता है आपका? तो एक कौशल है आपका पढ़ना, पठन कौशल। तो पठन को ही क्या कहा जाता है आपका? ध्यान रखना, वाचन कहा जाता, लिखा हुआ ना। तो वाचन और पठन दोस्तों दोनों क्या है आपके? समानार्थी है। वाचन और पठन दोनों क्या है आपके? समानार्थी है। तो वाचन विधि भी होती है और वाचन कौशल भी होता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये चार कौशल है। और इसके अंदर दोस्तों हम थोड़ी सी कौशल के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहां से, शॉर्ट एंड स्वीट। कौशल क्या है? ये चार कौशल है ना, इसमें से सुनना या पढ़ना, सुनकर और पढ़कर तो हम क्या करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये तो क्या हो गए आपके? ग्राह्य कौशल हो गए। और बोलकर और लिखकर, बोलना और लिखना, बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये अभिव्यक्ति कौशल है। दो इसमें ग्राह्य कौशल है और दो कौन से हैं आपके? अभिव्यक्ति कौशल है। मारिया मोंटेसरी ने कहा कि इंस बालक पढ़ने से पहले लिखना सीखता है। तो मारिया मोंटेसरी ने लास्ट वाले दो कौशल थे ना, पढ़ना और लिखना, इनका क्रम क्या कर दिया आपका? चेंज कर दिया। तो मोंटेसरी के अनुसार थे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो मोंटेसरी कहती है कि बालक पढ़ने से पहले लिखना सीखता है, तो मोंटेसरी के अकॉर्डिंग वो थे। और अधिकांश क्या है आपका? पहला कौशल कौन सा है आपका? सुनना। अंतिम कौशल कौन सा है आपका? लिखना। तो वाचन शब्द है दोस्तों किससे बना है आपका? वच धातु से। वाचन किससे बनता है आपका? वच धातु से बनता है। वच धातु से बनता है वाचन कौशल है वो किससे बनता है आपका? वच धातु से बनता है। और वच से ही क्या बनता है? वचन। वच प्लस अन वचन। तो वच प्लस अन वाचन, और वच प्लस ई वाची, और वच प्लस अक वाचक, और वच प्लस ये वाच्य। तो दोस्तों ये सारे शब्द है ना, वचन हो, वाचन हो, वाची हो, वाचक हो, वाच्य हो, ये सब शब्द है। उसमें धातु क्या है आपका? वच। और वच का मतलब होता है आपका बोलना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना है ना, तो वच यानी कहना। लेकिन यहां क्या है? वाचन। तो वाचन का मतलब क्या होता है आपका? पठन होता है, पढ़ना। तो यहां किसी लिखित विषय वस्तु को क्या लिखा हो दोस्तों? कि लिखित विषय वस्तु को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना। देखो वाचन कौशल में ऐसा नहीं है किसी भी वस्तु को पढ़ना ही केवल वाचन है। अगर आपके सामने पाठ पढ़ा लिख रहे हो, लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हो,
केवल पढ़ना ही क्या नहीं होता है, वाचन नहीं होता दोस्तों, वाचन में पठन के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका अर्थ ग्रहण भी होना चाहिए। अगर आपने उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया तो फिर वो आपका क्या नहीं है, वाचन नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वाचन का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ये चीज आपका एग्जाम में भी आया हुआ है कि वाचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, कि लिखित विषय वस्तु को अगर आप उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, आपका वाचन कहा जाता है। एक तो बात ये, वाचन और पठन दोनों समानार्थी शब्द है, और किसी भाषा को सीखने के लिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी भाषा को सीखने के लिए वाचन सबसे छोटी पगडंडी है। तो वाचन को छोटी पगडंडी किसने कहा, किटसन। किट यानी कहते किटी बोच, किट छोटा होता ना किट, तो कहते ना टूल किट। किसी भाषा को सीखने के लिए वाचन सबसे छोटी पगडंडी है, कौन कहता है, आपका किटसन। तो किटसन कहा कि भाषा को सीखने के लिए वाचन सबसे छोटी पगडंडी है, उसे कहते हैं आपका, किसने कहा, आपका किटसन ने कहा। वाचन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत दृश्य, सर्वे एवं ग्रहण योग्य भावों का मस्तिष्क केंद्र से संबंध होता है। वाचन वह क्रिया है, जैसे हम सहायक सामग्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्या आती है, आपकी दृश्य सामग्री, कुछ क्या आती है, आपकी सर्वे, और कुछ क्या होती है, आपकी दृश्य सर्वे। जिनको देखकर सीखते हो वो आपका दृश्य है, जैसे अध्यापक आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओपी एचपी, आपको मैजिक लांटेन, एपिडाइस्कोप, दोस्तों ये क्या आते हैं, आपके दृश्य सामग्री है। यहां से प्रश्न बहुत आता है सहायक सामग्रियों में, प्रश्न लगभग 90% ये बनता है, निम्न में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है, कौन सी सर्वे है, कोई नाम दे दिया, ये सामग्री कैसी है। लगभग 90% जो प्रश्न होता है वो आपका यहीं से आता है, कि आपका सीतावाद्य क्या है, एपिस्कोप क्या है, लिंगवा फोन क्या है, आपका ग्रामोफोन क्या है, कैसी सामग्री है, आपकी दृश्य है या सर्वे। जिनको आप देखकर पढ़ते हो वो केवल आपकी दृश्य, अध्यापक आपको बोर्ड पर पढ़ाता है, बोर्ड आपका दृश्य, आपको प्रोजेक्टर पढ़ाता है, प्रोजेक्टर आपका क्या है, दृश्य है, मैजिक लांटेन दृश्य है, ओएचपी आपका दृश्य है। लेकिन अगर शिक्षा टेलीफोनी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, इनके माध्यम से देखी जाती है, वो क्या होती है, आपकी सर्वे सामग्री। लेकिन अगर मान लो आज आप टेक्निकल से पढ़ रहे हो तो आप वीडियो देखते हो, तो वीडियो में दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। आप टीवी देखते हो, दूरदर्शन, वो भी क्या है, दिखाई और सुनाई दोनों देता है। तो जहां दोनों माध्यम से शिक्षा हो वो क्या होता है, आपका दृश्य सर्वे। तो वाचन वह क्रिया है जिसके मध्य की दृश्य और सर्वे, इस माध्यम से कि बालक के मस्तिष्क तक विचारों का संबंध होना, कौन कहता है, आपका कैथरीन ओंकारान। क्या कहा है, कि दृश्य सर्वे और ग्रहण करने योग्य भावों का संबंध मस्तिष्क केंद्र से होता है, कौन कहता है, आपका कैथरीन ओंकारान कहता है। तो नेक्स्ट तथ्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि साइलेंट रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, साइलेंट रीडिंग है, ये पुस्तक किसकी है, या साइलेंट का मतलब होता है मौन, रीडिंग का मतलब होता है वाचन, तो मौन वाचन का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, आपका ब्राइन से हो जाएगा, है ना। मौन वाचन कह दो या साइलेंट रीडिंग कह दो, ऐसा भी आ सकता है साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है वो किसकी है, आपकी ब्राइन की है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है आपका, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहां इतना ही है कि किसी लिखित विषय वस्तु को पढ़ना वाचन, वाचन और पठन समानार्थी है, और सबसे छोटी पगडंडी किटसन ने, और भावों को ग्रहण करने का संबंध मस्तिष्क से होता है, कैथरीन ओंकारान ने कहा, और साइलेंट रीडिंग है किसकी है, आपका ब्राइन का। सामान्यतः वाचन हम दो प्रकार से लेते हैं, एक तो होता है आपका सस्वर वाचन, कौन से होते हैं, आपके सस्वर वाचन,
और एक होता है आपका मौन वाचन। सस्वर यानी स्वर के साथ पढ़ना, एक तो होता है सस्वर वाचन और एक होता है आपका मौन वाचन। सस्वर भी फिर तीन होते हैं, आदर्श, अनुकरण और आपका सामूहिक। देखो दोस्तों, वाचन दो होते हैं, कौन कौन से? अगर हम बात करते हैं आपके वाचन की, तो वाचन कितने होते हैं आपके? दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका सस्वर वाचन और दूसरा होता है आपका मौन वाचन। और मौन वाचन को साइलेंट रीडिंग कहा, मिस्टर ब्राइन ने कहा। और सस्वर वाचन है, फिर इसके कितने भाग हो गए आपके? तीन। इसके कौन कौन से हैं आपके? सस्वर वाचन है, फिर इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया आपका? तीन भागों में। कौन कौन सा है? आदर्श वाचन, दूसरा है आपका अनुकरण वाचन, तीसरा है आपका समवेत वाचन। आदर्श, अनुकरण और आपका समवेत वाचन। तो सस्वर वाचन है, फिर इसके कितने भाग कर दिए आपके? तीन कर दिए। ऐसे ही आपका मौन वाचन है, इसके कितने भाग कर दिए आपका? दो भाग। एक तो हो गया आपका द्रुत वाचन और दूसरा हो गया आपका गहन वाचन, द्रुत या आपका गहन वाचन। गहन वाचन को आपका त्वरित वाचन नहीं, द्रुत को आप त्वरित भी कह सकते हो, इसे आपका त्वरित वाचन भी कह दो या द्रुत वाचन कह दो। और गहन वाचन को गहन भी कह सकते हो, आपका गंभीर वाचन भी कह सकते हो। तो वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर और आपका मौन। सस्वर तीन प्रकार का होता है, आदर्श, अनुकरण और आपका समवेत। और जो आपका है मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, द्रुत या त्वरित वाचन, गहन या आपका गंभीर वाचन। तो सबके बारे में पढ़ेंगे आपका दोस्तों क्या क्या होता है। सबसे पहला है आपका कौन सा? सस्वर वाचन, कि जब किसी विषय वस्तु को उचित आरोह है, आरोह का मतलब होता है स्वर को ऊपर उठाना, अवरोह का मतलब होता है डाउन करना, कि किसी विषय वस्तु को उचित आरोह है अवरोह है यानी उतार चढ़ाव, वैसे हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वर्गीकरण पढ़ेंगे, कई प्रकार से होते हैं आपके मात्रा के आधार पर, जीवाक्य के आधार पर, मुखाकृति में। वैसे सामान्य स्वर होते हैं तीन, उदात, अनुदात और आपका स्वरित। तो स्वरित जो आपके होते हैं ना स्वर, वो कितने होते हैं आपके? उदात, अनुदात और आपका स्वरित। ये आया हुआ है आपका रीट के अंदर कि स्वर होते हैं उदात, अनुदात और आपका स्वरित। और जब किसी रचना को छंद युक्त पढ़ते हैं, छंदबद्ध होती है, तो उसको उचित लय, ताल, आरोह है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यति, गति, है ना। जैसे कोई दोहा पढ़ते हो आप, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो कहां आपको लय को ऊपर उठाना है, कहां आपको डाउन करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उदात, अनुदात। और इसे क्या कहते हैं आपका? सस्वर वाचन कहा जाता है। किसी रचना को उचित लय, ताल, यति, गति, आरोह है, अवरोह है, यानी ध्वनि के साथ उच्चारण किया जाए, उसे क्या कहते हैं आपका? सस्वर वाचन कहा जाता है। दोस्तों सस्वर वाचन है, कितने चरण होते हैं आपके? तीन। एक तो होता है आदर्श वाचन, फिर क्या होता है? अनुकरण वाचन, फिर आपका होता है समवेत वाचन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, कोई क्लास हो तो अध्यापक बच्चों से कविता बुलवाता, तो सबसे पहले वाचन कौन करता? आपका अध्यापक करता है ना। अध्यापक का वाचन क्या होता है? आदर्श होता है, यानी बच्चों को सिखाता है किस प्रकार से आपका वाचन करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे अध्यापक बच्चों को एक कविता सुना रहा है कि देखो बच्चों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना, बहुत सारी कविताएं हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये भी अपने आप में एक काव्य है, किस प्रकार से आपको बोलना है, है ना।
फिर कविताओं के माध्यम से कि नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, बाकी जो बचा था है ना काले चोर ले, इस प्रकार से कविताएं हैं आपकी है ना, तो उनको बोलने का एक तरीका होता है ना, उसको लय ताल में बोलते हैं। इसके अलावा बचपन में आप जैसे करते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, सोपे निकला धागा, चोर निकल के भागा, तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट नहीं मिली, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तो कहने का मतलब अध्यापक द्वारा किसी रचना का उचित आरोह लय ताल जो आचरण करते हैं वो क्या होता है, आदर्श वाचन। फिर अध्यापक बच्चों से कहता है कि किसी से कहा कि खड़ा हो तुम बोलो, तो बच्चा उसका क्या करता है, अनुकरण करता है ना। अनुकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका स्वतंत्र होता है ना, एक आपका होता है रूपरेखा अनुकरण होता है, फिर मैं आपकी उसमें पेस्टोलोडी खंडायन कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम अनुकरण विधि के अंदर पढ़ेंगे आपका अनुकरण है ना। तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अध्यापक ने बच्चे से बुलाया अनुकरण है, और संवेत या सामूहिक, अध्यापक कहता है अब हमें सभी को एक साथ क्या करना है, आपको इसको बोलना है, तो अध्यापक के साथ साथ बच्चे उस रचना को जब साथ बोलते हैं उचित लय ताल के साथ, उसे क्या कहते हैं आपका संवेत वाचन। या तो अध्यापक साथ भी हो सकता है, या बच्चों से कहता है कि तुम सभी एक साथ इस रचना का क्या करो, आपका उच्चारण करो। तो यानी सस्वर वाचन है वो आपका तीन प्रकार से होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और आपका संवेत या सामूहिक वाचन। आगे होता है मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है, देखो सस्वर तो होता है ध्वनि के साथ, और मौन होता है ध्वनि रहित, कि बिना चुपचाप बोले, बिना मुंह खोले, बिना आवाज किए हुए अगर आप किसी का वाचन करते हो। दोस्तों सस्वर वाचन है मूलतः किसके लिए जरूरी होता है, आपका कविता के लिए। कविता में हमेशा क्या होता है, सस्वर वाचन ही होता है। पद्य शिक्षण में हमेशा क्या होता है, आपका सस्वर वाचन होता है। पद्य शिक्षण में कभी क्या नहीं होता, आपका मौन वाचन होता ही नहीं है। गद्य में आप मौन वाचन भी कर सकते हो, लेख पढ़ेंगे आपका कौन सा है, मौन वाचन। तो इससे पहले पढ़ लेते हैं कि जो आपका सस्वर वाचन है वो सर्वाधिक किससे प्रभावित होता है, यानी वाणी दोष से, दृष्टि दोष से प्रभावित होता है। सस्वर वाचन है वो किससे प्रभावित होता है, अगर मान लो कोई बच्चा है, बालक है, देखो आप जो जैसे मान लो एक हारमोनियम है, हारमोनियम के अंदर अलग अलग क्या होती है, आपकी कुंजी होती है। जैसे मान लो हारमोनियम है, इस हारमोनियम में अलग अलग क्या है, आपकी कुंजी है। अब मान लो अलग अलग कुंजी से क्या निकलेगी, आपकी अलग अलग ध्वनि निकलेगी। अब किसी ध्वनि से क्या निकलेगा, जैसे मान लो आपकी अलग अलग कुंजियां हैं हारमोनियम के अंदर, जैसे मान लो ये है आपका कुंजी बटन लगे ना, तो हारमोनियम में कुछ कुंजियां लगी हुई है, और उस कुंजियों को आप दबाओगे तो अलग अलग क्या आएगी, आपकी ध्वनि आएगी। किसे निकलेगा, सा रे गा मा, तो सा रे गा मा पा दा नी सा। तो हारमोनियम के अलग अलग की के अंदर अलग अलग ध्वनियां होती है, और उसी प्रकार से अगर हारमोनियम के तार सही है, हारमोनियम उचित रूप से कार्य कर रहा है, ध्वनि क्या आएगी, आपकी सही आएगी। और अगर मान लो हारमोनियम के कोई तार है अगर टूट गए, तो आप ध्वनि क्या नहीं हो पाएगी, सही ढंग से नहीं निकल पाएगी। वैसे ही सस्वर वाचन के अंदर किसी बालक की वाणी में दोष है, किसी की दांत टूटे हुए हैं, किसी की जीवा मोटी है, हम पढ़ते हैं ना उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान का योगदान होता है वर्णों के उच्चारण में। आप बोलते हो कंठ से आते हैं, आप बोलते हो प फ होठों से आते हैं, त थ दांतों से, तो अलग अलग वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका अलग अलग। अगर आपके उच्चारण स्थान सही है, आपका स्नायु, आपका वाणी तंत्र, आपका सिस्टम सही है, और अगर इसमें किसी में दिक्कत है, किसी के दांत टूट जाए, तो फिर आप त थ ये नहीं बोल पाओगे ढंग से। आप प फ कब तक सही है, आप जब होठ सही है आपके, किसी की होठ बड़े हो है ना, दांत बाहर निकले हुए हो, तो ध्वनियों का उच्चारण सही नहीं हो पाता है, तो स्नायु दोष है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए। अब किसी बालक को दिखाई कम देता है, तो दिखाई नहीं देगा तो वो आपका सही रूप से क्या नहीं कर पाएगा, आपका उच्चारित नहीं कर पाएगा। तो इंद्रियों का सही होना आपका जरूरी है, चाहे वो आपकी वाक इंद्री हो, चाहे आपकी दृश्य इंद्री हो, इनका भी क्या होता है, सही होना जरूरी होता है। स्नायु दोष है
वो सर्वाधिक किसको प्रभावित करता है? आपका सस्वर वाचन को प्रभावित करता है दोस्तों। मौन वाचन है, इसमें क्या होगा आपका? मौन वाचन की बात कर लेते हैं। बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना क्या कहलाता है? आपका मौन वाचन कहलाता है। कि मौन वाचन क्या होता है? कि बिना होठ हिलाए अगर आप मन ही मन क्या करते हो, किसी का अध्ययन करते हो, चुपचाप से अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाता है ना, कि बच्चों को मान लो कोई पाठ पढ़ा है आपका, नमक का दरोगा, ईदगाह है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ा दी बच्चों ने, बच्चों को फिर कहा कि आप चुपचाप बैठे बैठे क्या करना है आपको? मौन वाचन करना है। तो बच्चे बिना आवाज किए, बिना होठ हिलाए, बिना कुछ बोले मन ही मन जब पढ़ते हैं, तो मन ही मन जब पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? आपका मौन वाचन। मौन वाचन है, इसका प्रारंभ कहाँ होता है आपका? अमेरिका से। अधिकांशतः जो भी शिक्षण विधियां हैं वो लगभग कहाँ से आती है आपकी? अमेरिका की मानी जाती है। क्योंकि वैसे कोई दिन आपका भारत क्या था? विश्व गुरु था, नालंदा तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय होते थे, और विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया आपका, उस पर आक्रमण किया। विश्व गुरु इसलिए था कि पहले जैसे चीनी यात्री हेनसांग, इत्सिंग, फायान जैसे विद्वान भी भारत देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते। आज स्थिति बदल गई है हमारे देश की, और आज हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। पहले विदेश के लोग भारत में पढ़ना सौभाग्य मानते थे, और आज विदेश पढ़ना अपने आप में क्या मानते हो आप? सौभाग्य मानते हो। अपनी सोच को क्या करना होगा आपका? बदलना होगा। इंडिया में आज भी वो टैलेंट मौजूद है, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उनसे पहले इंडिया ने बहुत बार ऐसे आविष्कार कर दिए हैं, लेकिन हम आजकल पढ़ाते हैं कि नासा ने ये खोज की, नासा ने ये खोज की, उसने ये किया, तो साइंस तो आपका बाहर आया है ना, तो ये खोज पहले भी आज के हजारों साल पहले हो चुकी है। ये तो इसके दो चरण होते हैं मौन वाचन के, कौन कौन से? एक तो गंभीर वाचन और एक आपका त्वरित वाचन। देखो एक तो होता है आपका मौन वाचन, कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का। एक तो होता है आपका द्रुत वाचन, द्रुत वाचन को ही क्या कहते हैं आपका? त्वरित वाचन। द्रुत वाचन को ही क्या कहा जाता है आपका? त्वरित वाचन। और एक होता है आपका गहन वाचन, गहन या इसे ही क्या कहते हैं आपका? गंभीर वाचन कहा जाता है। देखो द्रुत वाचन में तो क्या होता है कि किसी विषय वस्तु को बिना होठ हिलाए जल्दी जल्दी पढ़ना क्या कहलाता है आपका? द्रुत वाचन कहलाता है, शीघ्रता के साथ पढ़ना। देखो द्रुत का मतलब होता है शीघ्र पढ़ना, और अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपको अर्थ की प्राप्ति हो या नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है। आपका उद्देश्य है कि दी गई सामग्री को चुपचाप बैठे बैठे जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो वो क्या होता है? द्रुत वाचन या त्वरित वाचन। और पढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे पढ़ते, गहन में क्या होता है आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए उसका क्या करना है? अर्थ ग्रहण करना है। तो अर्थ ग्रहण करना जरूरी किस में होता है आपका? गहन वाचन में, गंभीर वाचन में होता है। दोस्तों त्वरित वाचन में अर्थ ग्रहण करना क्या नहीं होता आपका? जरूरी नहीं होता। अब छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको अध्यापक कहता है कि बच्चे तुम पढ़ो उसको, अब वहां उसको अर्थ आए या नहीं आए कोई मायने रखता है। बच्चों का उद्देश्य, अध्यापक का उद्देश्य कि बच्चे पढ़ना सीख जाए। अगर अर्थ तो बच्चे बड़े होंगे तभी निकाल लेंगे। कक्षा 3 से क्या होता है आपका? द्रुत वाचन त्वरित शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? विचार विश्लेषण पाठों का क्या करते हैं आपका? ऐसे पाठ जिनमें गहनता हो, वहां अर्थ प्राप्ति करना हो, वहां इनका वाचन किया जाता है। कक्षा 5 से शुरू होता है। यहां कौन सा वाचन होता है आपका? गहन। और इसमें अर्थ प्राप्त करना जरूरी होता है, अर्थ प्राप्ति होना जरूरी होता है, क्योंकि बालक है, पढ़ने के साथ साथ उन शब्दों के अर्थ को समझते हुए क्या करेगा आपका? वाचन करेगा। तो आपका द्रुत वाचन कक्षा 3 से और आपका आपका गहन वाचन कक्षा 5 से होता है। इसमें अर्थ ग्रहण की क्षमता व चिंतनशीलता का विकास होता है। किसमें आपका? गंभीर वाचन के अंदर अर्थ ग्रहण किया जाता है, और बालक की चिंतन शक्ति है उसका भी क्या होता है आपका? विकास होता है। और अगर मान लो यहां तक हो गए, अगर किसी बालक के सस्वर वाचन में दोष है तो इसे स्पीच थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं आपका? दूर करते हैं। स्पीच थेरेपी क्या होता है दोस्तों? अगर मान लो कोई बालक है,
वो बार बार अशुद्ध लिखता है। तो या तो उनको, एक तो होता है सुंदर लेख और एक होता है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन क्या होता है कि अध्यापक उन शब्दों को बोलता है और बालक उन शब्दों को सुनकर क्या करता है, लिखता है। लिखने के बाद में अध्यापक देखता है कि किस विद्यार्थी ने कितनी क्या की है, आपकी गलती की है। एक होती है श्रुत लेख विधि कि बालक जब सुनकर लिखता है उसे क्या कहते हैं, आपका श्रुत लेख विधि। अध्यापक बोलता है, बालक लिखता है, फिर उनको चेक किया जाए कि किस विद्यार्थी ने मात्रा छोटी बड़ी गलती कितनी की है, और जो गलतियां की जाती है उसको फिर रेखांकित किया जाता है राउंड अप, और बाद में कहते हैं आपने जो शब्द अशुद्ध लिखे हैं उनको आपको इतनी बार दोबारा से लिखना है। तो होता है श्रुत लेख विधि, सुनकर लिखना। तो बालक के अंदर जो दोष है उनको स्पीच थेरेपी के और शुद्ध वाचन के लिए जो अध्यापक है उसका आदर्श वाचन रिकॉर्ड रहता है, और बालक है उसको लिंगवा फोन के माध्यम से बार बार सुनता है, और सुनकर भी आपका वाचन दोष है वो दूर किया जाता है। लिंगवा फोन के माध्यम से क्या है, लिंगवा फोन आपकी सर्वे सामग्री है। तो अध्यापक का आदर्श वाचन रिकॉर्ड रहता है उचित लय ताल यति गति के साथ, और फिर बालक उसको बार बार क्या करता है, आपका सुनता है। और या फिर आपको देखना, जैसे मान लो आपका पहले प्राचीन समय में हमारा देश का नाम क्या था, सिंध था। सिंध से क्या बना आपका हिंद, क्यों, ईरान और फारस के लोग सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे, तो सिंध से क्या बना दिया आपका हिंद बना दिया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कीड़ी होता है, कीड़ी को कीड़ी बोल देते हैं, है ना। जैसे आपका सा हाथ होता है, इसको साथ बोल देते हैं, तो है को सह बोल देते हैं। या अन्य नाम होते हैं आपके, लक्ष्मण नाम है उसको लक्षण बोल देते हैं। तो कहने का मतलब वहां वाचन में दोष होता है उसको बार बार बुलाकर, या कहां वो गलत करता है उसको बार बार रिपीट कराकर उसको हम क्या कर सकते हैं, सुदैव कर सकते हैं। तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से इसको दूर किया जाता है। और वाचन के दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहली जो प्रयोगशाला है वो कहां पर की गई, आपकी अमेरिका में की। और अमेरिका के विद्वान कौन थे, आपके मनोवैज्ञानिक थे आपके ब्रिकनेर। कौन थे आपके दोस्तों, ब्रिकनेर। तो मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक आपके ब्रिकनेर ने क्या किया, इस पर प्रयास किया वाचन दोषों को दूर करने के लिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक आपका ब्रिकनेर ने क्या किया, आपका प्रयोग किया। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रिकनेर को संसाधन किसने उपलब्ध करवाए आपके, इसको संसाधन उपलब्ध करवाए आपके मैज सिंह नामक विद्वान ने। किसने करवाए आपके, मैज सिंह नामक विद्वान ने करवाए। तो यानी ध्यान, वाचन दोषों को दूर करने का सबसे प्रयोग किया गया अमेरिका में, किसने किया आपका, ब्रिकनेर ने। और ब्रिकनेर का सहयोग किसने किया था आपका, मैज सिंह ने किया था। दोस्तों ये आपकी क्या है, वाचन शिक्षण विधि है, जिसके बारे में हमने क्या किया है, आपका अध्ययन किया है। तो हमने कुछ विधियां पढ़ी है उसके बारे में चर्चा की है, एक दो छोटी छोटी विधियां हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखो एक विधि है आपकी समवाय विधि। कौन सी विधि है आपकी, समवाय विधि। समवाय विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका शामिल, इसका अर्थ बात करते हैं। तो समवाय विधि है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शामिल करते हुए सीखना। शामिल करते हुए सीखना, शामिल करते हुए सीखना। समवाय विधि का मतलब क्या होता है आपका, शामिल करते हुए सीखना। देखो दोस्तों समवाय में क्या होता है, जैसे अध्यापक है कक्षा के अंदर कोई पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है ना, गद्य पाठ, गद्य पढ़ा रहा, गद्य के अंदर ले लेते हैं। अब गद्य में कुछ भी आ गया, मान लो गद्य के अंदर आपका कुछ भी आ जाए, गद्य के अंदर दोस्तों आपका जैसे मान लो कोई कहानी है, कोई नाटक है, कोई उपन्यास है, कोई आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, संस्मरण है और आपका जीवनी है, आदि को मान लो कोई गद्य का कोई भाग हो, अध्यापक इनको क्या कर रहा है, आपका पढ़ा रहा है ना।
अब मान लो कोई कहानी चल रही है, कहानी में कोई शब्द आ गया, कहानी में कोई क्या आ गया, आपका शब्द आ गया, कहानी चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, शब्द आ गया अभ्यारण्य, तो अध्यापक क्या करने लगेगा, बीच में देगा बच्चों अभ्यारण्य शब्द देखो कौन सा सही है, अभ्यारण्य ये शुद्ध है या फिर आपका अभ्यारण्य ये शुद्ध है। शब्द कहां आया, किसी कहानी या नाटक के बीच में आ गया। फिर अध्यापक ने क्या कर लिया, बीच में बच्चों बताओ बच्चों अभ्यारण्य शब्द सही कौन सा है, ये है या आपका ये है। अब हमारा ये पढ़ा हुआ होता है, अध्यापक कहता है कि ये गलत है आपका अभ्यारण्य, ये गलत है, ये आपका क्या है सही है। क्यों सही है, किससे बनता है आपका अभय प्लस अरण्य से बनता है, किससे बनता है आपका अभय प्लस अरण्य। यहां भय पूरा क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अ प्लस भय, भय के अंदर भय कितना आता है आपका पूरा आता है, इसलिए अभ्यारण्य में भय कितना आएगा आपका पूरा आएगा। अभ्यारण्य में संधि कौन सी है, अ प्लस अ बराबर क्या होता है आ होता है, संधि कौन सी है दोस्तों आपकी दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ संधि के अंदर कितने नियम होते हैं आपके चार, ए आके सामने ए आए तो आ, ई के सामने ई आए तो बड़ा ई, ऊ के सामने ऊ आए तो बड़ा ऊ। अब अध्यापक पढ़ा क्या रहा था दोस्तों, पढ़ा क्या रहा था अध्यापक आपका कहानी पढ़ा रहा था। अब मुख्य उद्देश्य क्या था अध्यापक का, कहानी पढ़ाना। अब कहानी पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक कहां हो गया आपका अभ्यारण्य की तरफ, फिर यहां बताया शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, संधि कौन सी है, फिर नियमों पर चर्चा करना। अब बताओ मुख्य उद्देश्य है वो तो क्या हो गया यहां पर, गौण हो गया। यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या था, कहानी पढ़ाना। तो ऐसा करते समय जो मुख्य उद्देश्य है वो तो क्या हो जाता है आपका, गौण हो जाता, छिप जाता है। और दोस्तों जो गौण उद्देश्य होता है, जो चीज पढ़ाना आपका उद्देश्य नहीं है। अब बताओ यहां कहानी के अंदर व्याकरण की शिक्षा देना कि दीर्घ संधि क्या होती है, यह उस अध्यापक का क्या होता है, गौण उद्देश्य। अब गौण उद्देश्य क्या होता है आपका, मुख्य बन जाता है। तो जहां कोई विषय वस्तु है गद्य की आपकी, अगर अध्यापक पढ़ा रहा है कहानी नाटक उपन्यास गद्य, तो वहां उसका उद्देश्य कहानी पढ़ा रहा है तो कहानी पढ़ाई, नाटक पढ़ा रहा है तो नाटक पढ़ाई। अब वहां वो क्या करता है, मुख्य विषय वस्तु को छोड़ देता है और मुख्य विषय वस्तु से हटकर किसी दूसरी प्रकार की विषय वस्तु है उसके साथ जुड़ जाता है और उसकी व्याख्या करने लग जाता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है वो आपका छूट गया, और आपका गौण उद्देश्य है वो क्या हो गया, आपका प्रभावी हो गया। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, आपका समवाय विधि कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, आपका समवाय विधि कहा जाता है। देखो समवाय विधि के अंदर क्या होता है, ज्ञान और कर्म इनका संबंध स्थापित किया जाता है, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म प्रभावित है, ज्ञान और कर्म से संबंधित आपकी क्या होती है, विधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी आपके सह संबंध पाए जाते हैं। समवाय विधि में क्या होता है, देखो व्याकरण की शिक्षा गद्य के साथ क्या होती है, आपकी संबंध होती है, तो यहां भी आपस में क्या पाया जाता है, सह संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, इनके अंदर आपका सह संबंध पाया जाता है। सह संबंध क्या होते हैं आपका, एक तो होता है आपका क्षेत्रीय सह संबंध और एक होता है आपका लंबवत सह संबंध। जैसे आपके होते हैं कंप्यूटर में हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल। अब देखो सह संबंध का मतलब होता है एक विषय वस्तु का दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, क्या कहलाता है आपका, सह संबंध कहलाता है। जैसे मान लो हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम दूसरे व्याकरण के साथ चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों एक विषय का दूसरे विषय के साथ करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, क्षेत्रीय संबंध। एक विषय का दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो आपका क्या होता है, क्षेत्रीय होता है। जैसे आपसे कहा कि देखो हिंदी के अंदर लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में कितने होते हैं, तीन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और आपका नपुंसक लिंग। ठीक है दोस्तों,
और कह दिया अंग्रेजी में कितने होते हैं, अंग्रेजी में लिंग को क्या कहते हैं, जेंडर, कितने होते हैं, चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और आपका कॉमन। तो यहां एक विषय का कंपेरिजन दूसरे के साथ कर रहे हैं कि हिंदी में क्या होता है, अंग्रेजी में क्या होता है, संस्कृत में क्या होता है। हिंदी में मूल स्वर चार होते हैं, ए, ई, उ और री, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं आपके, पांच होते हैं, ए, ई, उ, री और क्या होता है आपका, लरी होता है। तो कहने का मतलब एक विषय का दूसरे विषय के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं, आपका क्षेत्रीय संबंध कहा जाता है। और एक होता है आपका लंबवत। लंबवत का मतलब होता है एक विषय का उसके किसी विषय के भाग के साथ संबंध स्थापित करते हैं, लंबवत। कि विषय हिंदी पढ़ा रहे थे, कहानी, कहानी पढ़ाते समय कहानी के साथ हमने बीच में कोई उपन्यास आ गया तो उपन्यास की चर्चा कर ली, बीच में कोई संधि आ गई तो व्याकरण के पक्षों का कर लिया। अब अगर कहानी, उपन्यास, व्याकरण, ये क्या है, एक ही विषय के भाग हैं। तो एक विषय के आपस में भागों का संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, आपका लंबवत कहलाता है। तो ये आपकी दोस्तों क्या है, समवाय विधि है, कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ दूसरी चीजों का प्रयोग कर लेते हो। तो यहां मुख्य उद्देश्य गौण होता है और गौण उद्देश्य क्या बन जाता है, आपका मुख्य बन जाता है। तो ये आपकी समवाय विधि होती है दोस्तों। एक होती है आपकी प्रदर्शन विधि। क्या होती है प्रदर्शन विधि, शॉर्ट एंड स्वीट है आपका प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि दोस्तों क्या होती है, कि जिस विषय वस्तु के बारे में बालक को पढ़ाया जा रहा है, जिस भी विषय वस्तु के बारे में बालक को पढ़ाया जा रहा है, तो बालक के सामने उस विषय वस्तु से संबंधित जो मॉडल है, प्रतिमान है, वो आपको सामने रखना होगा। और अगर मान लो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप पढ़ा रहे हो किसके बारे में, नाहरगढ़ के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, कि बच्चों जयपुर के अंदर क्या है आपका, नाहरगढ़ किला है। तो वहां बच्चे ज्यादा कब सीखेंगे, जब बच्चों को आप डायरेक्टली कहाँ ले जाओगे, नाहरगढ़ ले जाओगे घुमाने के लिए, फिर वहाँ बच्चों को आप गाइड करोगे कि बच्चों ये नाहरगढ़ है, ये जयपुर है, इसमें ये हवा महल यहाँ है, जो चीज़ आप वास्तविकता में दिखाओगे। इसका मतलब, प्रदर्शन का मतलब होता है वास्तविक रूप में। अगर किसी विषय वस्तु को जब वास्तविक रूप में दिखाया जाता है, वास्तविक रूप में, तो वास्तविक रूप में अगर किसी विषय वस्तु को दिखाकर अगर वो चीज़ पढ़ाई जाती है, तो इस प्रकार से जो बालक पढ़ता है उसका जो नॉलेज है वो क्या रहता है आपका, स्थाई रहता है। क्या रहता है आपका, स्थाई रहता है, चाहे वो आपकी कोई विषय वस्तु हो। इतना सा जानना, प्रदर्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको कोई पढ़ा रहे हैं अध्यापक इसके बारे में, कोई विषय वस्तु है, कमल का फूल है, आपका हाथी है, तो वैसा कोई चित्र है, वैसा कोई मॉडल है, प्रतिमान है। देखो, एक तो होता है रेखा चित्र, एक तो क्या होता है, रेखा चित्र होता है। किसी विषय वस्तु को अगर आपने किसके बारे में पढ़ाया, रेखा चित्र के मतलब आउटलाइन होती है ना, ये रेखा चित्र है, वो भी प्रदर्शन का रूप हो सकता है। लेकिन रेखा चित्र के बाद में क्या आता है, उसका चित्र आ जाता है, या फिर उसको आप मॉडल के रूप में, प्लास्टिक का खिलौना आता है, या फिर आप इसको वास्तविक पदार्थ, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो वास्तविक पदार्थ। जैसे दोस्तों एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, आपका कमल है, कोई फूल है, कुछ भी है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, या तो आपने कह दिया बच्चों देखो कमल का फूल है वो इस प्रकार का होता है, ऐसी आकृति क्या होती है आपकी, कमल के फूल की होती है। अब यहां या तो उसको ये आउटलाइन बना के दिखा दी कि ये क्या होता है आपका, कमल का फूल होता है। और अगर मान लो रेखा चित्र के माध्यम से नहीं समझ रहा है बालक, तो फिर उसमें कमल का जो रंग होता है वो रंग भर के उसका चित्र दिखा सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक का कोई बना हुआ मॉडल है उसका वो दिखा सकते हो, या फिर उसको वास्तविक रूप से वो पदार्थ दिखाया जा सकता है। तो इन माध्यम से बालक के सामने क्या कर सकते हो, उन विषय वस्तु का प्रदर्शन कर सकते हो। और प्रदर्शन करोगे, इसका मतलब बालक करके सीखने पर बल देता है शिक्षा, और ऐसा सीखोगे तो उसका ज्ञान क्या होगा आपका, स्थाई, क्यों, वो चीज इसको देखी हुई होती है और देखी हुई चीज को कभी भुलाया नहीं जाता। तो दोस्तों ये आपकी सिंपल सी विधि है, इतनी खास कुछ नहीं है इसके अंदर, आपका प्रदर्शन विधि है ना। तो ये आपके शिक्षण विधियों में आते हैं, चित्र, रेखा चित्र, मॉडल। तो जो चीज देख कर सीखते हो वो आपका ज्ञान क्या होता है, आपका स्थाई होता है। तो दोस्तों हमने कुछ शिक्षण विधियां पढ़ी है, आपकी वाचन विधि और आपका इसके अलावा प्रदर्शन, और आपकी कौन सी है,
इन विधियों के बारे में आपकी जानकारी की है, समवाय विधि। दोस्तों और भी बहुत सी सारी शिक्षण विधियां, आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, आपकी साहचर्य विधि, तो उन अन्य विधियों के बारे में हम दूरशिक्षण विधि, या आपका दूरशिक्षण हो गई ना आपकी, दल शिक्षण विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आपकी उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।